नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग पूजा में। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ इंस्टेंट बनने वाली रसमलाई की रेसिपी। बहुत ही जुगाड़ू तरीके से मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में बनाते हैं रसमलाई एक साथ। देखिए दोस्तों, मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 500 ग्राम दूध डाला है। अगर आपके पास फुल फैट क्रीम दूध है तो आप वो यूज़ किए, मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक थैली वाला दूध है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। एक बॉईल आने तक हम लोगों को इसको पकाना है। देखिए हमारे दूध पर अभी एक से दो बॉईल आ गया है। अभी हम लोग स्टेज पर डाल देंगे इसमें शुगर, ये है मेरे पास हाफ कप ऑफ शुगर। देखिए मेरी शुगर भी मेल्ट हो गई है। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें 2 से 3 चम्मच मलाई। अभी मैं डालने वाली हूँ इसमें, अब आप बताइए मैं इसको, मैं कलर लाने के लिए क्या डालने वाली हूँ? गैस नो ना, मैं डालने वाली हूँ इसमें 1/4 टीस्पून जो हम लोग मसाला डालते हैं ना, वो हल्दी। देखिए किसी के पास केसर नहीं है या फूड कलर नहीं है तो आप इसका हल्दी का यूज़ कर सकते हो। यकीन मानिए इसका टेस्ट खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी मैं डाल दूंगी इसमें बादाम और पिस्ता, थोड़ी सी मेरे पास चिरौंजी पड़ी हुई है वो भी मैंने डाल दिया इसमें। अभी एक इंग्रेडिएंट्स और ऐसा डालूंगी जिससे आपको एकदम आश्चर्य हो जाएगा कि इसमें ये क्या डाल दिया। ओके तो देखिए अभी मैं डालने वाली हूँ इसमें, ये है मेरे पास, जी नहीं ये कस्टर्ड पाउडर नहीं है, ये कॉर्नफ्लोर भी नहीं है, ये है मेरे पास बेसन ग्राम फ्लोर है। ये बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं डालेंगे, सिर्फ 1/4 स्पून डालेंगे हम लोग इसमें, 1 चम्मच और थोड़ा सा और। ओके और थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके हम लोग इसको, तो देखिए दोस्तों ये डाल दिया है मैंने चने का आटा दूध में घोलकर धीरे धीरे। यकीन मानिए दोस्तों ये आपकी रबड़ी बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनेगी, है ना एकदम यूनिक। बस इसको 5 मिनट तक हम लोग और पकाएंगे जब तक बेसन पक ना जाए। देखिए दोस्तों ये मेरी दूध देखो कितना गाढ़ा हो चुका है, अब स्टेज पर मैं इसको बंद कर देती हूँ। देखिए कितना क्रीमी है और कितना गाढ़ा। अभी दूसरे स्टेप के हम लोग चलते हैं, इस इलायची का पाउडर डाल करके हम लोग इसको हिलाकर और गैस बंद कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों अपना देखो दूध बनकर के तैयार हो गया है, कितना क्रीमी है और कितना गाढ़ा देखो, यकीन मानिए दोस्तों उतना ही टेस्टी है। अभी हम अपनी ब्रेड की रसमलाई बना करके हम लोग तैयार करते हैं। स्पून हो कटोरी हो इसके लिए आप उससे ऐसा और दूध में डिप कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपके पास केवड़ा जल है तो केवड़ा जल थोड़ा सा एक स्पून दूध में डाल दीजिए, रोज वाटर है तो रोज वाटर डाल दीजिए। मेरे पास उनमें से कुछ भी नहीं है इसलिए थोड़ा सा मैं एसेंस डालती हूँ, वनीला एसेंस।
देखिए दोस्तों तैयार है हम लोगों की टेम्पटिंग सी रसमलाई, बहुत ही टेस्टी है और इंस्टेंट है, इसलिए प्लीज़ आप इसको एक बार जरूर बनाइए। मेरी राय है आपकी और आपके अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर तो बनता है दोस्तों, कमेंट भी जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।